हम उनके बच्चे को संभाल रहे हैं, वो हमारे लिए भिंडी तोड़ने गए हैं। माता जी मंदिर उधर से दिखाऊंगा, अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों रात में आए थे हम, तो आपको दिखा नहीं था रोड सही से। आप दिन में जा रहे हैं, वापिस से नीचे उतर रहे हैं, माची से नीचे उतर रहे हैं। आप देख लीजिए कितना खतरनाक ढलान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पावागढ़ माता के, तो आप जरूर देखिए। सेल्फी लेने लग गए रास्ते में रुक कर, वैसे ये गलत है, लेना नहीं चाहिए। सबका फोटो लगे था ना, सब जानवर है ही जंगल। गुजरा 17 दोस्तों, यहाँ पे रेड पट्टी वाली गाड़ियाँ जा रही है। अगर आपको पता है कि रेड पट्टी की गाड़ियाँ किसकी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नीचे आ गए दोस्तों हम, ये बस पावागढ़ से नीचे उतर गए, ये लास्ट गेट है यहाँ पर। जय माता दी, पावागढ़ वाले माता। बस रोड ख़त्म हो गया और यहाँ नीचे आ गए हम, और यहाँ रोकते थोड़े, यहाँ रोकेंगे, चाय नाश्ता पानी करेंगे। छोरे सब थक गए हैं, मेलवाड़ा में घूमेंगे। मेलवाड़ा आगे ऊपर वो दिख रहा है सामने, वहाँ घूमेंगे हम और फिर आगे चलेंगे। दक्षिण का भद्र द्वार। दोस्तों हमने गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी है, ये हमारी मारुति वैन पड़ी है वहाँ पर, और अभी हम आगे जा रहे हैं पावागढ़ फोर्ट में। मैं आपको एक बार बता दूँ, पावागढ़ माताजी मंदिर उधर से दिखाऊंगा, अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। गाड़ी ले आते यार यहाँ पे अच्छा रहता। बहुत ही अच्छा घूमने लायक स्थान है। शहर की मस्जिद है ये यहाँ पर शायद। टिकट सिस्टम चालू हो गया यहाँ पे, पहले टिकट सिस्टम नहीं था।
तीन चार साल पहले हम आए थे तो। तो वहाँ हम चढ़ के आ गए हैं जाके पावागढ़ माता जी मंदिर। वो मंदिर, वो क्रेन दिख रही है आपको, जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ हम जाके आ गए हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप पूरा देख लीजिएगा। और अभी हमारे कार के पास में खड़े हैं हम, और फिर अब घर जाने वाले हैं। और अब हम घर जा रहे हैं, तो अब सीधे मिलेंगे घर पर। ये किला भी घूम लिया है, अंदर मस्जिद है। और अब थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे, उसके बाद में हम घर जाएंगे। टायर फूट गया था, ये वाला नया टायर लिया हमने, ये वाला नया टायर लिया था हमने 2800 रुपये का। पावागढ़ से निकल चुके हैं दोस्तों हम। अब जा रहे हैं घर दरहाड़ में। बहुत अच्छा रोड है, लिमखेड़ जाएगा ये। लिमखेड़ यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में हाईवे मिल जाएगा हमें, 4 लाइन NH 47 नंबर, इंदौर अहमदाबाद रोड मिलेगा। तो आप घर पे ही मिलेंगे। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देवगढ़ बारिया में आ गए हैं। रात का जो वीडियो आपने देखा था, यहाँ पर हमने पानी पता से खाए थे। एक बार फिर से दरहाड़ जाते समय पानी पता से खाएंगे, और उसके बाद में हम फिर से हमारी वैन से निकलेंगे। यहाँ पर हमने शाम को रुके थे, और शाम को रुककर हमने पानी पता से खाए थे देवगढ़ बारिया। रात का व्यू बहुत अच्छा है। आपने अगर देखा नहीं है वीडियो तो आप ज़रूर देखिए। लाइटिंग का बहुत ही अच्छा लुक यहाँ घंटाघर का दिख रहा था। और ये देवगढ़ बारिया है, हमारे दोस्त उधर सब पानी पताते खा रहे हैं, और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। आप जुड़ रहे हमारे चैनल से, बहुत ही मज़ा आने वाला है हमारे इस वीडियो में। ये गाड़ी पार्किंग हमने उस साइड में लगा दी है, और देवगढ़ बारिया यहाँ पर घंटाघर में है। चलो चलते हैं पानी पता तक खा के, फिर गाड़ी में बैठते हैं। हमने शाम को जाते वक्त पानी पता तक खाए थे, एक बार फिर से पानी पता तक खाएंगे। यहाँ पे सब दोस्त लोग बैठे हैं, यहाँ पानी पता तक खाने के बाद में फिर चलेंगे आगे। वो दो लोग उधर बैठे हैं, थक गए सब, बलराम और कृष्णा। दोस्तों हम मोहनपुर जा रहे हैं, नंदेरी माता मंदिर। वहाँ जाब्बा से करीबन 30 किलोमीटर दूर है। और ये आगे कल्याणपुरा, आगे देवगिरी पर्वत। हल्दी घाटी जैसा दृश्य। हल्दी घाटी यार वापस वहाँ जा गया है वो परशुराम जी, हल्दी घाटी वो है। वहाँ भी चार बजे का घाट है।
घाटे में घना यो करे वहाँ तो सबने उतार टिटकर खाली एक जन और खाली यहाँ से पेटलावत 30 किलोमीटर और कल्याणपुरा 3 किलोमीटर है। मंदिर पे पहुंच गए दोस्तों हम नंदेरी माता। ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी हमने अपने बिलपाक से भी छोटा पहाड़ है ये। पहले मंदिर छोटा था अब निर्माण हो गया है यहाँ पे भव्य मंदिर है। तरबूज ककड़ी ले ली हमने यहाँ तक खरीद लिए। ए बलराम मानी दे मनी अरे तोता तो ये यार वो अंकल जी जा रहे हैं तरबूज लेने के लिए। 10 किलो तरबूज मंगाए हमने गाड़ी से जा रहे हैं उधर तरबूज लेके आएंगे। देर हो गया तो सब एक गाड़ी थी हम बैठे हैं वो काकड़ी लेने आ रहे हैं। भैया तरबूज ले ताजी आई है हमारी की या ताजी आई है खेत में से ककड़ी ले रहे हैं यहाँ पे ककड़ी और तरबूज। करवड़ पेटलाद रोड पे भी भाव दे रहा 15 रुपए किलो ले लो सब 10 किस दिए ना। ए ए हम उनके बच्चे को संभाल रहे हैं वो हमारे लिए भिंडी तोड़ने गए हैं खेत में। दोनों बहनें वो वहाँ पे तोड़ रहे हैं भिंडी मंगाई है तरबूज खरीद लिया हमने ककड़ी खरीद ली है और गिलकी खरीद ली और भिंडी भी खरीद रहे हैं। और वो अंकल जी गए खेत पे बड़े बड़े तरबूज तोड़ने के लिए और वो हमारी कार खड़ी है वहाँ पे करवड़ पेटलावत रोड है ये। शानदार बच्ची है इसकी मम्मी हमारे लिए भिंडी तोड़ने गई है
ये इसका घर है यहाँ पर, झोपड़ी झोपड़ी इसकी। क्या नाम तेरा, क्या नाम तेरा, तेरी 50 की 2.5 किलो भिंडी, ठीक है, मतलब रे 20 रुपए किलो तो मिल रही है अभी, ठीक है यार, 2 रुपया अड़ाने मिलना चाहिए। हाँ यार, मेहनत कर रहा, ताजी दे रहा है, किसान को पैसे मिलने चाहिए। तरबूज ले लिए हमने, ये जीजी हमारे लिए भिंडी ली है, ये तोड़ के भिंडी, हाउ भिंडी भी खरीद रहे हैं, सब चीज खरीद ली यहाँ से हमने, ताजी भिंडी। कतरी भाई की 1 किलो। दोस्तों 7 बज गए हैं और अभी हम करवड़ में हैं, ये करवड़ का बाजार है। और ये रतलाम रोड। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे पावागढ़ के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर जाके, और ये यात्रा पूरी हो गई है पावागढ़ की यात्रा, तो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। दूसरा ये कि दोस्तों अगर आप भी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं और आप देखते रहिए।